नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेम्पायर हब डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आवश्यक सूचना, हमारे यूट्यूब चैनल पे गिव अवे चल रहा है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। लास्ट में एक सवाल आएगा जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं सरप्राइज गिफ्ट विनर। सरप्राइज गिफ्ट आपको मिलेगा हर सोमवार को क्योंकि हमारे चैनल पे वीकली गिव अवे चलता है। दोस्तों कैसे हो, आज हम बात कर रहे हैं जिस वैकेंसी की, वो आई है राजस्व व भू सुधार विभाग के विभाग से। यहाँ पर 31,000 भर्तियाँ होने वाली है, तो आज हम इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देंगे आपको, साथ ही आपको बताएंगे कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अटेंडेंस लगा दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के कंप्लीट डिटेल्स। दोस्तों इस वैकेंसी के कंप्लीट डिटेल्स बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक पेपर का क्लिप पढ़ के सुनाता हूं जिससे कि आपको बिलीव हो जाए कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आपको बिल्कुल सही है, 100% सच है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, राजस्व व भू सुधार विभाग में होगी 31,000 भर्तियाँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 31,290 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। भूमि संबंधित आंकड़े अपडेट करने के लिए व्यापक काम हो रहा है, कर्मियों की कमी है इसलिए विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी। लोक वित्त समिति द्वारा इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। सीएम सोमवार को संवाद में ऑनलाइन दाखिला खारिज, ऑनलाइन लगान भुगतान और निबंधन कार्यालयों को आंचल कार्यालयों से जोड़कर स्वतः दाखिल खारिज सुविधा का रिमोट से शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि 1203 विशेष सर्वेक्षण सहायक आंचल निरीक्षक, 22,966 विशेष सर्वेक्षण आमीन, 2,406 लिपिक विशेष लिपिक, 1203 कार्यपालक सहायक, 12 डेटा एंट्री ऑपरेटर और 1203 ITI बॉय की नियुक्ति की जाएगी। सीएम ने कहा कि बिहार में 60% से अधिक झगड़े और अपराध का कारण भूमि विवाद है। एक बित्तर जमीन भी बड़े झगड़े का कारण बन जाती है जो हत्या का रूप ले लेती है। भूमि विवाद के निष्पादन से अपराध में स्वतः और कमी आ जाएगी। दोस्तों ये तो हो गया पेपर क्लिप जिससे कि मैंने आपको प्रूफ दिला दे कि ये रियल वैकेंसी है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको इस वैकेंसी कंप्लीट डिटेल्स की, इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी है, वैकेंसी डिटेल्स क्या है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कब से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आज जो गिव अवे क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आपके ऑप्शन हैं लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर महात्मा गांधी। अपनी जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप बन सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट विनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर रिक्रूटिंग बॉडी है बिहार भूमि राजस्व विभाग और यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 32,799। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पब्लिकेशन का डेट है 21 दिसंबर 2018 और इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक पास, ITI पास तथा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स। यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद हैं, विशेष सर्वेक्षण कानूनोंगों के पद हैं, विशेष सर्वेक्षण आमीन के पद हैं, आमीन के पद हैं, लिपिक विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पद हैं, कार्यपालक सहायक के पद हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं, ITI बॉय के पद हैं। बाकी सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन बेस्ड है मेरिट पर और यहाँ पर सैलरी आपको मिलती है 16,118 रुपये से लेकर 52,202 रुपये प्रति माह और इसको आप अप्लाई कर सकते हो स्क्रीन पे शो कर रहे लिंक पर क्लिक करके। वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।